वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। अब मुझे पता लग रहा है मैं जागो लाहौर करने लगी हूँ। कैसे कि जब तक हम जागो लाहौर पे वो सेहत की बात नहीं कर लेते, ब्लड प्रेशर, शुगर, ऐसी बातें ना कर ले, तब तक हमारा शो कंप्लीट नहीं होता। और आज भी हम आपकी डाइट के हवाले से आपको बताने वाले, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं या जिनको कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम है, वो भी हमारा सेगमेंट ज़रूर ट्यून करें, क्योंकि आपको बहुत ज़बरदस्त टिप्स मिलने वाली हैं। और डेफिनेटली आज मैं अपनी टीम से कह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कॉल्स लें, क्योंकि मैं सुनना चाहती हूँ कि कितना मिस किया लोगों ने मुझे। और साथ साथ हमारा जो टॉपिक है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कि ब्लड प्रेशर और डाइट कितना ताल्लुक है इनका आपस में, किस तरह की डाइट होनी चाहिए आपको, किस तरह से आपने अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी रखना है, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करना है, इस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, जवेरिया महमूद। वेलकम टू द शो जवेरिया। थैंक यू एंड वेलकम बैक यू। थैंक यू। कैसी आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जवेरिया। हम ब्लड प्रेशर इस तरह की चीजें हमेशा डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन चूंकि डाइट का ताल्लुक आपकी सेहत से डायरेक्टली होता है, हम जो खाते हैं वही हमें नजर भी आता है। आप ब्लड प्रेशर बेसिकली है क्या, इसका क्या डाइट होनी चाहिए, उस पर हम फिर आते हैं। ब्लड प्रेशर है क्या, इस पर हम बेसिकली एवरीथिंग इज हैपनिंग इन अवर ब्लड। तो जब हर चीज़ ब्लड में आपके शुगर लेवल्स हैं या आपके प्रेशर लेवल्स हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं, अक्सर लो हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। और अक्सर औकात जो पाकिस्तान में, क्योंकि लो सोडियम डाइट नहीं है और आजकल जैसे मौसम सरमा है और लोग बहुत ज़्यादा, आप ये देखें कि सॉल्टेड नट्स की तरफ जाते हैं, और उसके साथ ही साथ आप ये देखें कि जो सी फूड है, सी फूड इज़ रिच इन सॉल्ट एंड टू मेनी थिंग्स, तो वो अक्सर औकात उसको डिस्कार्ड करना भूल जाते हैं और उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर लेवल रेज हो जाता है। तो इसके लिए डाइटरी अप्रोचेस फॉर स्टॉप हाइपरटेंशन, डैश डाइट रिकमेंड की जाती है, जो कि बेसलाइन होती है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स यानी फल, सब्जियां, दालें, पल्सेस हो गई, पल्सेस ग्रुप हो गया, उसके अलावा यखनी, आप बिल्कुल जैसे कोई बीमार है उसको आप यखनी दें, पर उसमें से बिल्कुल सोडियम रिस्ट्रिक्ट करके, यानी आप नमक को बिल्कुल माइनस कर दीजिए। और आप ये देखें कि ब्लड प्रेशर एक वाहिद एक वो मतलब यू कैन से कि एक ऐसी डिजीज है जिसका डाइट के साथ प्रिवेंशन और कंट्रोल है मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। और आप ये देखें कि अक्सर औकात कई ऐसे लोग मिला जो कि ब्लड प्रेशर की बीमारियों में होते हैं और वो अक्सर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो डॉक्टर उनको अक्सर मेडिकेशन पे लेके जाते हैं, पर अक्सर औकात मेडिकेशन के साथ जब वो अपनी डाइट में से नमक या उससे रिलेटेड जो कुछ चीज़ें हैं वो जब स्टॉप डाउन नहीं करते, तो वो जो अमल है उनका ब्लड प्रेशर रेजअप होने का या जो हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होती। अच्छा जवेरी, अभी आपने नमक जो है सोडियम माइनस करने की बात की, कुछ लोग बिल्कुल ही नमक छोड़ देते हैं मतलब, और कुछ खा लेते हैं उसके बाद एक आध दवाई खा ली और समझते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। नमक को अपनी डाइट में से बिल्कुल माइनस कर देना भी ठीक है? बिल्कुल, जैसे कि बहुत से लोग, क्योंकि अक्सर औकात आप ये देखें कि बड़े लोग ओवर कॉन्शियस होते हैं और बिल्कुल डाइट में से अपना नमक जो होता है वो यानी सोडियम बिल्कुल माइनस कर देते हैं, यानी आप ये देखें कि जो आयोडीन डेफिशिएंट बॉडी होती है वो भी आपको गॉइटर यानी गर्दन का गिलर या इस तरह की डेफिशिएंसीज में लेके जाती है। हमारे लिए सब जो न्यूट्रिएंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसका माइन्यूट अमाउंट में प्रॉपर इस्तेमाल, जो एक प्रॉपर उसका यूजेज है वो बहुत ज़रूरी है। अक्सर का जो 60 और 70 प्लस जो लोग हैं या जो ओल्डर एडल्ट्स हैं या फिर जो अर्ली जो एडल्ट्स हैं यानी कि जो 20s to 30s में हैं वो भी नमक का इस्तेमाल कम करते हैं। देखिए, नमकियात की बॉडी में कमी होना आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल लो करता है, मिनरलाइज बॉडी होना अच्छा होता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पोटाशियम, मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम के जो इस तरह के माइक्रो मिनरल्स हैं उनको कुछ अमाउंट में ज़रूर अपनी डाइट में रखें और इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि वो लोग जिनको लो शुगर लेवल या लो ब्लड प्रेशर उनका लेवल रहता है, तो उनको बॉयल एग उनके लिए बहुत अच्छा है, अगर उस पर ब्लैक पेपर सॉल्ट स्क्वीज करके थोड़ा सा ले लें, और उसके अलावा स्टीम्ड और बॉयल्ड पोटैटोज अच्छे हैं, उसके अलावा और पोटैटोज भी आप खा, हाँ जी बिल्कुल, जो रेज करने में हेल्प आउट करते हैं जो आपका ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर के हवाले से, बिल्कुल लो ब्लड प्रेशर के हवाले से। और उसके साथ ही साथ बीट रूट, कैरेट, एप्पल जूस भी अच्छा है, क्योंकि उसमें भी माइक्रो मिनरल्स होते हैं और आपकी बॉडी को मिनरलाइज करता है। स्पेसिफिकली वो लोग जो कि ईटिंग आउट में फूड पॉइजनिंग में आ जाते हैं और उसके बाद उनको वॉमिटिंग या डायरियल कंडीशन होती है, उनका भी मिनरल लॉस होता है, और उस टाइम भी उनको सोडियम, पोटाशियम, माइक्रो मिनरल्स और ये तमाम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। ठीक हो गया जवेरिया, अभी हम आपसे लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से और भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारी कॉलर आ चुकी है सना। अस्सलाम वालेकुम सना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम उर्मिला, वेलकम बैक। थैंक यू सना, कैसी हैं आप? उर्मिला, हमने तो आपको बहुत मिस किया है। सना, मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया है, मैं आपको अंदाजा नहीं है कि मैंने कितना मिस किया है। मैं आप सही कह रही है ना? क्या कह रही है, सॉरी?
मैंने कहा आप ठीक है या आपने मैं मिस किया है? बिल्कुल मिस किया है, और मैं आज सुबह इंट्रो में कह रही थी कि मुझे ऐसे अपनी लाइफ बड़ी इनकम्प्लीट लग रही थी जब तक मैं जागो लाहौर नहीं कर रही थी। आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ उर्मिला, और आपकी पिक्चर्स मैं देखती रही हूँ, माशाल्लाह आप बड़ी अच्छी लगी हैं उधर। अरे थैंक यू वेरी मच, एंजॉय किया उधर। बिल्कुल मैंने बहुत एंजॉय किया, थैंक यू वेरी मच। सना, आज के टॉपिक के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी आप? हाँ उर्मिला, एक सवाल है मेरा, मतलब मुझे ना कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक है। मतलब मुझे 5-6 डेज मुझे उसकी शिकायत रहती है। ठीक हो तो गया। मुझे ऐसे फील होता है जैसे उससे मेरी हार्ट बीट भी तेज हो जाती है और मुझे बीपी की शिकायत भी हो जाती है। वैसे मुझे बीपी नहीं है। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है इसकी वजह से शायद मुझे प्रॉब्लम लो हो जाता है। आपका बीपी? नहीं नहीं, हाई हो हाई हो जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अभी आपकी डाइट पूछ देते हैं, और मुझे भी एक इसके लिए टोटका पता है, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करती हूँ। सना, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया आपका। जुबेरिया, पहले आप बताएं कि इनको क्या डाइट लेनी चाहिए, इनको कॉन्स्टिपेशन की थोड़ी प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, जब भी कॉन्स्टिपेशन में होता है तो फाइबरस फ्रूट्स बहुत हेल्प आउट करते हैं, फाइबर बहुत करता है। बिल्कुल, अमरूद भी अच्छा है, अमरूद भी अच्छा है। उसके अलावा जो इसबगोल का छिलका है उसको आप दही के साथ लें। देखिए, जितने हमारे पास फाइबर्स है ना, रिच इन फाइबर फूड है, वो आपके लिए बहुत ही हेल्प आउट करता है। और साथ ही साथ जैसे बीट रूट है या लेंटिन्स हैं, और कोशिश कीजिए कि फल जो है वो विद स्किन खाया जाए, क्योंकि जब आप उसका जूस लेते हैं तो उसका जो फाइबर है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है, वो क्लियर हो जाता है। इवन जो आप ऑरेंज जूस भी पीते हैं उसको भी आप फाइबर्स के साथ कंज्यूम किया करें। और उसके अलावा एसेंशियल ऑयल में एलमंड ऑयल 1 कप आप मतलब नीम गर्म दूध लें रात को सोने से पहले, बिफोर ब्रेकफास्ट या एम्प्टी स्टमक या फिर बिफोर स्लीप, और उसमें 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून आप जितना कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ। आप उसमें एलमंड ऑयल ऐड करें, वो भी बहुत कॉन्स्टिपेशन। हाँ, यही वाला टोटका मुझे, क्योंकि मेरी नानी ने बताया था कि आप या तो अमरूद खाया करें। हाँ, अमरूद अमरूद इज वेरी गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन, जिनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अमरूद जब आप खाते हैं, और ग्रेप्स का इस्तेमाल भी करना चाहिए आपको, तो ये सारी चीजें सना हेल्पफुल होंगी। अच्छा जवेरिया, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, अब दोनों अब यंग एज में भी बहुत ज्यादा कॉमन होना शुरू हो गए। पहले तो हम सुनते थे ना कि 40+ है तो अच्छा उसको ब्लड प्रेशर हो गया, अब तो इवन बहुत यंग एज में मैं देखती हूं लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा जो ड्रग कंजप्शन है उसकी वजह से, उसके साथ ही साथ जो शॉर्ट टेम्परनेस आ गई है, इनडिसिप्लिन चीजें हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज डिसिप्लिन में नहीं होती या बहुत सी चीजें होती है तो आप शॉर्ट टेम्पर हो जाते हो, और शॉर्ट टेम्परनेस आपको अगर मुस्तकिल आपकी लाइफ में एडअप रहती है तो आपको वो ब्लड प्रेशर आपके जो है वो आपका फ्लक्चुएशन की बिल्कुल होता है उसमें। और आप ये देखें कि उस चीज को कॉप अप करने के लिए आपका पानी का बेतहाशा इस्तेमाल बहुत जरूरी है। दूसरा ये कि आप लाइफ में एक मॉडरेट और स्मूथ लेके चलें, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट द अप्स एंड डाउन्स, बट उसमें ब्लड प्रेशर का, उसका जो डिप्रेशन, एंजाइटी और ये तमाम चीजों का जो ताल्लुक है वो आपका खुराक के साथ भी होता है। तो इसमें मतलब स्टॉप ईटिंग द फ्राइड एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स टू, क्योंकि किसी टाइम आप ये देखें कि जो लोग बहुत ज्यादा ईटिंग आउट, अक्सर जो लोग बाहर मतलब आउटसाइडर्स होते हैं, बाहर से खाना कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो भी अक्सर औकात बड़े शॉर्ट टेम्पर होते हैं, और बाहर के खानों में आपको पता है अक्सर औकात अर्मिला बहुत ज्यादा मीठा या बहुत ज्यादा क्या कहते हैं सॉल्टिश फूड जो आपको सर्व किया जाता है, उसका टेस्ट और उसकी उसकी एक्चुअल वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू छुपाने के लिए। बट थिंग्स आर लाइक दिस कि जब भी घर पे आप मतलब मेकिंग फूड एट होम इज सच अ हेल्दी प्रैक्टिस फॉर मतलब जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए भी, और जो लोग खातून खाना है उनके लिए भी। और वैसे भी अगर आप घर पे खाना बना रहे हैं तो मेरे ख्याल से नमक की अमाउंट जो है उसको बड़ा मिनिमम रखना चाहिए। अच्छा कॉलर ले लेते हैं, फातिमा है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अर्मिला, मुझे क्वेश्चन करना था कि जब मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो मेरी आंखें जो है वो बहुत ज्यादा स्वेल हो जाती है। स्वेल हो जाती है? अच्छा सैयदा फातिमा है, फातिमा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी एज क्या है, आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है? आई थिंक सो है, और 24 एज है मेरी। 24 एज है, अच्छा ठीक है, मैं भी आपकी इस हवाले से आप डाइट बता देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग फातिमा, बहुत शुक्रिया। जो भैया 24 एज है, इट्स क्वाइट यंग एंड शी इज इन द ब्लड प्रेशर, बट वही जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि डाइटरी और ईटिंग पैटर्न्स ठीक नहीं है, क्योंकि अर्मिला एक और आपने चीज नोट की, वो बहुत ज्यादा गैजेट का इस्तेमाल और बेवक्त खाना, और ये बेवक्त हो जाती है ब्लड प्रेशर आप से? बिल्कुल, इसमें देयर आर लॉट ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स, क्योंकि आप ये देखिए आपका ब्लड प्रेशर जो है वो रेज अप करता है, और आपकी बॉडी जो है उसका इवन एक जो हमारा पीएच लेवल होता है उससे भी वो शफल आउट कर जाता है। आपकी बॉडी नेचुरली जो है वो एसिडिक हो जाती है, जबकि बॉडी को अल्कलाइन होना चाहिए, और अल्कलाइन बॉडी रखने के लिए एड मोर एंड मोर वेजिटेबल्स इन योर बॉडी। आप ये देखें कि हम अक्सर औकात इवन हम अपनी हेल्दी चॉइसेस में, अगर हमें कोई कहता है कि इफ़ यू वांट टू डाइन आउटसाइड, इवन मुझसे भी अगर कोई पूछे तो मैं कहती हूँ मैं सब्जियाँ दालें मैं कह देती हूँ कि मुझे इट्स ओके, इट्स आई एम फाइन विद इट ना। तो आप ये ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा आप ये देखें मीट का, जो गोश्त का इस्तेमाल है, क्योंकि गोश्त में
फैटी एसिड्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स भी हैं, पर उसके साथ ही साथ उसमें जो एक सोडियम जो लेवल है उसमें हमेशा एक्सीड होता है। दूसरा, लोग जब भी आप प्रिजर्वेटिव फूड ला रहे हैं, आप कमर्शियल फूड ला रहे हैं, आपने कंज्यूम करना है, तो आप उसको अच्छी तरह से वॉश करें, क्योंकि हमेशा जहाँ पे प्रिजर्वेशन, आपको आपने नोट किया होगा अर्मिला, जितना जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है उतनी ज्यादा प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं, उतना ज्यादा ये ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज और इसके अलावा डायबिटीज, और क्योंकि आप जितना अपनी बॉडी को कमर्शलाइज करेंगे उतना बॉडी आपकी बॉडी होस्ट करेगी, बिल्कुल आपकी बॉडी उसको। ठीक है, अच्छा जी, आपको इंटरप्ट करते हुए कॉलर ले लेते हैं। खालिदा सैफ है हमारे साथ कैंसर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना चाहेंगी जी? मेरा सवाल है कि ब्लड प्रेशर मेरा 150 रहता है। अच्छा, और मेडिसिन भी ले रही हूँ और चिकनाई वगैरह कोई इतनी मतलब इस्तेमाल नहीं हो रही। ठीक है, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं रहता। अच्छा, वो 150 से मतलब नीचे नहीं आता। क्या है आपकी एज? क्या है? 50। और ओबेसिटी का प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं जी। ठीक हो गया खाले, अभी आपको जवाब लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। 150 ब्लड प्रेशर की चीजें भी नहीं। देखिए अर्मिला, एक तो बड़ी नेचुरल चीज है क्योंकि एज फैक्टर के साथ साथ देर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देर, पर उसको मैनेजमेंट करना, डाइटरी मैनेजमेंट करना, जैसे अभी मैंने आपको बताया डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, और ये जो डैश डाइट है इसका बेसिकली मकसद ये कि आपने इसमें एसेंशियल ऑयल्स ऐड करने हैं। कभी कभी मैं इनको एक मैसेज देना चाहूंगी कि कभी कभी आपकी बॉडी में कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है और आप उसको अपनी लाइफ में ऐड नहीं कर रहे होते। आप ये देखिए, जैसे फ्लैक्स सीड है या सनफ्लावर सीड है, हमारे तो यहाँ पे सनफ्लावर सीड ठीक है वो तोतों के लिए यूज होते हैं, पर उसमें ना एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं लिनोलिक और लिनोलिनिक एसिड, जो कि आप अक्सर लोग मेडिसिन की फॉर्म में सप्लीमेंटेशन की फॉर्म में लेते हैं। और सप्लीमेंटेशन के बारे में हमेशा कहती हूँ कि आइदर आप यंग एज में या 50 प्लस हैं तो अगर आपको जरूरत है तब लें, अदरवाइज आपको उसकी इट हैज वेरी हार्मफुल रिजल्ट्स टू। अगर आपको न्यूट्रिशनल नीड्स के साथ आपकी चीज ओवरकम हो रही है तो आप उसको ऐड करें। इनके लिए मैं यहाँ बताती चलूँ कि सिनेमम दालचीनी, क्योंकि वो आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल करती है और आपका ब्लड प्रेशर लेवल भी कंट्रोल करती है। उसके साथ ही साथ टू मतलब इनके लिए ब्रेकफास्ट, अगर यहाँ पे मैं एक सिंपल सा डाइट प्लान फॉर द हाइपरटेंसिव पेशेंट, क्योंकि हाइपरटेंशन में मोस्ट इंपॉर्टेंटली 6 डेज मील होते हैं, मतलब तकरीबन 6 मील होते हैं जिसमें से 3 मेजर और 3 माइन्यूट मील्स होते हैं, और इसमें वक्त का मुकर्रा वक्त पे खाना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने ब्रेकफास्ट और आपने जो है वो लंच स्किप किया, यू कैन टेक अ लॉट ऑफ कैलोरीज इन योर यू कैन से इन योर डिनर, क्योंकि अक्सर औकात मैंने ये देखा कि जिन लोगों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है उनके जो आसपास वाले होते हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं। You always there a lot of anger in on other people. तो हर वक्त गुस्सा आया रहता है और आप परेशान हो रहे थे इनको कि इनको हुआ क्या, और you don't know about this, even इनको खुद भी नहीं पता था कि वो ब्लड प्रेशर में कि उनको ये भी बहुत दफा होता है जी, हमें अंदाजे नहीं होता हमारा ब्लड प्रेशर हाई है लो है, सिम्टम्स तो कुछ मिलते भी है ना। आप ये देखिए, इसमें ठंडे पसीने आना, स्मॉल यूरिनेशन, और उसके अलावा आप ये देखें कि शॉर्ट टेम्परनेस भी, और इवन कि आप यू कैन अफोर्ड एनीवन, अगर कोई पॉजिटिव बात भी करे उसको भी नेगेटिव में लेना, तो इट्स लाइक अ साइन ऑफ द यू हैव अ ब्लड प्रेशर, तो यू शुड मतलब गो विद द गुड हेल्दी फूड। यहाँ मैं बताती चलूँ, ब्रेकफास्ट में ऑटमील के साथ जो है वो आप फ्रूट्स ऐड कीजिए, जैसे एप्पल, बनाना वगैरह, रेजिन्स, सिनेमम रेजिन्स यानी किशमिश होगी, सिनेमम और हैंडफुल ऑफ नट्स, ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक हैंडफुल ऑफ नट्स ऐड करें। साथ ही साथ आजकल जैसे हमारे पास ग्रेप फ्रूट और ऑरेंजेस आए हुए हैं, उसका जूस ऐड किया जाए अपनी डाइट में, बहुत अच्छा है। जो लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा चाय में अगर चीनी या नमक का इस्तेमाल भी करते हैं, पर उसको अगर वो रिप्लेस कर लें ब्लैक कॉफ़ी से, या फिर वो माइन्यूट जो एक माइन्यूट ब्लैक कॉफ़ी होती है उससे रिप्लेस कर लें, या कहवा जो होता है सिंपल टीज उससे कर लें, तो उनको बहुत हद तक हेल्प आउट करता है। दूसरी चीज़ ये है कि वो लिमिटाइज ऑल मीट पोर्शन और ट्रिम ऑल विजिबल फैट, लाइक टू से दैट जैसे आपको जितना आपको एक मीट पोर्शन मिल रहा है उसमें से आप करें। फिर वेजिटेबल्स, पल्सेस, बीन सैलेड, ग्रीन यानी लोबिये का सलाद हो गया। अच्छा, मेरे ख्याल से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इनका इस्तेमाल भी आपकी बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, मेरे ख्याल से हम नेचुरल चीजों को कंज्यूम करें। अच्छा, हमारे कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहन ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, आपकी एज क्या है अजहर साहब, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर रहता कितना है ये भी आप थोड़ा सा हमें बता दें, ताकि हमें आसानी हो। तकरीबन मेरे ख्याल में 100 से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और आपकी एज क्या है? 45।
45 آپ کیجیے. ٹھیک ہے حضرت صاحب, ابھی آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. جی جی, کچھ بتائیں کیونکہ ان کو ایگزیکٹ نہیں میرے خیال سے آئیڈیا. ہاں بالکل بالکل, پر یہ کہ آپ کو پرسنل ایویلیویشن سب سے زیادہ ملا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا, چیک کرانے والا معاملہ, یہ بھی ذرا ہمارے پیٹرن درست ہونا چاہیے. اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل نا ارملا گیجٹس آئے ہیں اور وہ گیجٹس بالکل ایکوریٹ آپ کا بلڈ پریشر نہیں بتاتے. جب آپ پراپر بلڈ پریشر کی آپ مشین سے چیک کرتے ہیں تو اٹ ہیز گڈ ریزلٹس. اکثر اوقات تو آپ یہ دیکھیے ڈیٹیکشن اور ایویلیویشن میں پرابلم ہوتا ہے. آپ کو کم از کم پتا ہو کہ آپ کو یہ پرابلم ہے, اس کے بعد آپ اس کو آپ اس کے مطلب یو کین گو ود دا ریکمینڈیشن اینڈ تھنگس کہ کیا کرنا چاہیے. پر یہاں پر آپ کو پتا ہے تقریباً پاسٹ 25 ایئرس سے آئی ایم ناٹ اگینسٹ دا میڈیسنز, بٹ ایک ہی میڈیسن جو ہے وہ ہر ڈاکٹر لکھ کے دے رہے ہیں. اچھا, میڈیسنز بھی, اور میں نے لوگوں کو بھی آبزرو کیا, یہ میرے اپنے گھر کی کہانی ہے کہ میری امی کو ایک ڈاکٹر نے دوائی دے دی ہے, وہ سالوں سال وہی کھاتی رہی ہے, دوبارہ سے جانے کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. مطلب دس از لائک ا ویری فیمس سارٹ اف میڈیسن اینڈ ایوری ڈاکٹر از گوئنگ ٹو ریکمینڈ. پر آپ یہ دیکھیں کہ جو چیزیں ہمارے مطلب ایک معاشرے میں, ایک سوسائٹی کا, اگر ایون اف یو ہیو ا سوشیو اکنامک پریشر, اف یو ہیو اینی ادر پریشر اینڈ یو آر ٹیکنگ اینڈ مطلب اس کو آپ کنورٹ کر لیتے ہیں اپنا بلڈ پریشر ریز یا اس کو سلو ڈاؤن کرنے میں, تو آپ اس کو جو ہے اپنی ڈائٹ اور خوراک اس کے ساتھ بالکل مینج کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے یہاں پہ بتایا کہ اسینشیل آئلس کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں, اسینشیل نٹس جو ہے اس کا استعمال بھول جاتے ہیں, تو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو گو وتھ دیز تھنگز. اچھا جی, سوری میں آپ کو ایک اور سوال, کیونکہ میں ٹائم کم ہوگا, میں جلدی سے. ڈرائی فروٹس, اب موسم آ گیا, ڈرائی فروٹس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, پھر مچھلی ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں, مچھلی جو ہم کھاتے ہیں مسالے لگا لگا کے, نمک سے بھری ہوئی مچھلی, بالکل تو یہ بھی تو بلڈ پریشر کے بالکل اس کا بند. آپ دیکھیں کہ پاکستانی اصل میں بیسیکلی فوڈ از آلویز سروڈ ویری اسپائسی اینڈ ویری فل آف کیلریز اینڈ دس سارٹ, پر ہمیں ہیلدی اور نیوٹرین ڈینس فوڈ لینا ضروری ہے. آپ اگر جو دیکھیں باہر کی جو آپ کمرشلی پریپیئرڈ فوڈ میں, تو آپ کو رینسڈ آئل ہے وہ بار بار اسی آئل میں بنا رہے ہیں. دوسری بات ہے وہ جو مسالے اتنے ہیوی یوز کریں وہ آپ کو ایسیڈیٹی اور برننگ کر رہے ہیں, بٹ اٹس ناٹ اے ہیلدی چوائس ایٹ آل. اگر گھر پہ آپ کریں تو آپ اسٹیم کریں اور ہمیشہ گوشت کو سبزیوں کے ساتھ بنائیں, یعنی آپ ٹومیٹو لے لیں تھوڑا سا, آپ یو کین ٹیک اے لاٹ آف ویجیٹیبلز الانگ ود یور فش, اور آپ اس کو بلیک پیپر, سالٹ اور لیمن کے ساتھ میرینیٹ کریں, اس میں تھوڑی سی آپ اجوائن ایڈ کر لیں, اس کو تھوڑا سا آپ بالکل یو کین ایڈ ٹیسٹ اینڈ فلیور ان دس. بٹ یہ کہ فلیور, غذا اور غذائیت کا مطلب یہی ہے کہ آپ چیز کو کنزیوم کریں اور اس کا آپ کو ہیلتھ بینیفٹ ہو. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ابھی چونکہ ہم بات کریں بلڈ پریشر ہائی اور لو کی, تو ہم نے یہ بھی جویریا, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ جب نمک کا استعمال کرتے ہیں تو ہم دیکھتے نہیں ہیں. اب چونکہ مچھلی کی میں بات کر رہی ہوں, کیونکہ جب ہم مچھلی خرید کے لاتے ہیں اس کے اوپر بھی نمک ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, اور پھر جب ہم مسالہ اس پہ لگاتے ہیں کیونکہ اب موسم ہے مچھلی کا, تو اس کو واش کرتے ہیں تب بھی آپ اس کو سالٹ کے ساتھ کرتے ہیں, آپ پریشان ہو جائیں گے اتنا زیادہ. اور ہمارے گھروں میں بھی یہ رواج ہے کہ کھانا ایک دفعہ بن گیا ہے, خاتون خانہ نے اس میں نمک ایڈ کر دیا, لیکن جب وہ پلیٹ میں آئے گا سامنے تو آپ نے اس کے اوپر بھی نمک, تو یہ والی چیز تو بڑی. آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے, اٹس اوکے فائن کہ یو یو کین ایڈ فلیور, ادھر کے کشمیری ٹیز میں بھی بہت زیادہ میں نے لوگوں کو نمک, آج کل جیسے جو کشمیری چائے ہے اس میں بہت زیادہ نمک ایڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے, جبکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. وی ڈونٹ نیڈ اے لاٹ آف, مطلب ہمیں ایک لمٹ تک ضرورت ہے, کیونکہ وی نیڈ انرجی فرام دا ان دا سورس آف آئیوڈین اینڈ سوڈیم ٹو, بٹ تھنگز ان دس تھنگز آر لائک دس, کہ آپ جتنا ہو سکے جو ہے ہائپر ٹینشن سے اور بلڈ پریشر سے بچنے کے لیے لیس سالٹیڈ جو چیزوں کا استعمال کریں, اور اسپیسیفکلی جو کمرشلائزڈ نٹس ہو گئے, کیونکہ نٹس ہمیشہ آلویز دے آر کوٹڈ ود دا لاٹ آف سالٹ, تو اس کو بھی واش کر کے استعمال کریں. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس کو لیو فارم واٹر میں ذرا بوائل اگر, ویسے کچھ سالٹیڈ نٹس بھی ہوتے ہیں, کچھ ویسے بھی مل جاتے ہیں, ہم سالٹیڈ زیادہ پسند کرتے ہیں. بالکل آپ سالٹیڈ پسند کرتے ہیں بیکاز آف ٹیسٹ اینڈ فلیور, آلویز وی گو فار دا فلیور, بٹ یہ کین آلسو ریز اپ یور بلڈ پریشر, تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. کالر جی اعجاز, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اعجاز بول رہا ہوں جی, گلشن لائف لاہور سے. جی جی بتائیں اعجاز صاحب. مجھے نا, میری ایج ہے 60 ایئرس. ٹھیک ہے. مجھے نا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پیچھے میرا بلڈ پریشر چلا گیا تھا 200 پہ نا, تو اب بلڈ پریشر میرا آ گیا 150 پہ. تو ان کے اگر میں میڈیسن کھاتا رہتا ہوں تو کچھ عرصے کے بعد میرا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے, تو کیا مجھے میڈیسن ساری عمر کھانا پڑے گی؟ ٹھیک ہے, آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میڈیسن اگر آپ کی میڈیسن کے بغیر بھی کنٹرول ہو گیا ہے تو آپ کو میڈیسن کنٹینیو کرنی ہے یا نہیں کرنی. ٹھیک ہو گیا جا صاحب, ابھی آپ کا جواب لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. جو میرے پاس ٹائم کم ہوگا جلدی سے جواب دیں. اٹس لائک دیٹ, فوڈ از یور میڈیسن اینڈ میڈیسن از یور فوڈ, سو ریپلیس یور بیڈ تھنگز ود دی فوڈ الٹرنیٹیو. آپ دیکھیں کہ الٹرنیٹیو میڈیسنز, ہربس
एंड ऑल द माइक्रो मिनरल्स एंड ऑल द हर्बल एंड ऑर्गेनिक थिंग्स. जितनी ऑर्गेनिक, मेरा कहने का मकसद है जितना आप नेचर के पास रहेंगे उतना आप बीमारियों से और मेडिसिन से और मेडिकेशन से दूर रहेंगे. सो बेहतर ये है कि अपनी जो डाइट है उसमें फलों, सब्जियों का, नट्स का, असेंशियल ऑयल्स का, उसके अलावा हेल्दी फाइबरस फ्रूट्स का, फाइबर्स का, जो हमारे पास लेक्टिन पेक्टिन गम्स हैं, जैसे आजकल हमारे पास मटर है, या उसके अलावा बगैर छने आटे की रोटी जो होती है, चपाती है, आप ये देखें कि उसमें आप चोकर ऐड करें. कुछ लोग तो बहुत ज्यादा खैर कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि हम ज्वार, जौ, बाजरा और उसकी रोटी ले रहे हैं. अच्छा, नहीं, जैसे एक तरह से सही भी है, लेकिन एक टाइम कुछ ना कुछ तो खाना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, यू हैव, मतलब फूड इज बहुत काम खराब. मैं हमेशा कहती हूँ कि फूड इज फॉर प्लेयर एंड फूड इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. पर ये के साथ ही साथ जरा थोड़ा सा आप इसको हेल्थ गोल्स को अपना हाईलाइट करें. अच्छा, मेरे कान में एक आवाज आई है जवेरी आपके लिए. हमारे एक प्रोड्यूसर साहब हैं जिनको हर वक्त कान में कुछ ना कुछ वो छोड़ने के आ रहे हैं. कह रहे हैं आप रेसिपीज इतनी अच्छी कैसे बता देती हैं, आप तो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आपने को कुकिंग वुकिंग तो नहीं सीखी? बिल्कुल, मैंने आई हैव डिड इंटर्नशिप विद सम प्लेसेस, तो आई नो मेनी कुकरीज एंड थिंग्स टू को. क्योंकि आप ये देखें कि डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट का काम ही है कि रेसिपी डेवलपमेंट. एग्जैक्टली. अच्छा, बहुत सारे आपको पता चल जाए कि आपने किस तरह से क्या चीज कंज्यूम करनी है, तो वो बल्कि देखने वालों के लिए बहुत आसानी हो जाती है. क्योंकि हम लोग तो बता देना चाहिए ये खा लें, लेकिन किस तरह से खा लें मेरे ख्याल से ये आसानी रहती है. अच्छा जवेरिया, एक छोटा सा मैसेज जो आप हमारे देखने वालों को देना चाहें आज के टॉपिक के हवाले से. आज के टॉपिक के हवाले से कि अब ना स्टॉप ईटिंग अ लॉट ऑफ सोडियम इनटेक इन योर डाइट एंड जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, स्पाइसी फूड्स, हाईली फ्लेवर्ड फूड्स और इवन जो कलर्ड और फ्लेवर्ड ड्रिंक्स हैं जो आप अपने बच्चों को भी इवन देते हैं, जो 10 से 12 साल के बच्चे हैं, और उनमें भी आपने देखा होगा कि हाइपरटेंशन जो होता है वो काफ़ी हद तक हो जाता है. तो इसको जरूरी है और हेल्दी एक्टिविटी है कि उसको हेल्दी चीजों से रिप्लेस किया जाए. जवेरिया हमारे साथ मौजूद है जनाब, अभी आप कॉल कर सकते हैं. हम ब्रेक लेने लगे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. हमारे पास और भी मेहमान हैं, सिंगर भी मैं ज्वाइन करने वाले हैं और जवेरिया तो है ही, कॉल्स भी हम ले रहे हैं. मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए जागो लाहौर.